मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। जन्म न जायते सूत्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जिनसे नाचारी कहते हैं, जन्म से सभी प्राणी इस युग में शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कारात् द्विज उच्यते, संयम के संस्कारों के कारण से द्विज बनते हैं, द्विज कहलाते हैं। महानुभाव, इस युग में जो भी धरती पर उत्पन्न होता है वह जन्म से, क्योंकि शरीर का केवल इतना ही काम है, खाने के लिए दो फुलके, पहनने को दो वस्त्र चाहिए, इससे ज्यादा शरीर की कोई मांग नहीं होती है। जीवन में आप कितना भी धन अर्जन कीजिए, लेकिन पहनने को चाहिए एक कुर्ता एक पजामा, और खाने को दो फुलके, पहनने को कुर्ता और पजामा, खाने को दो फुलके, ये किसका काम है? शरीर का। इससे ज्यादा शरीर की अपने कोई फरमाइश नहीं होती। इससे ऊपर जाने के लिए संयम के संस्कार होते। महानुभाव, मनुष्य का पहला जन्म मां से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है। मां से जन्म होता है संसार के विकास के लिए, लेकिन गुरु से जन्म होता है निर्वाण के लिए। अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों के आचरण के लिए। अतएव हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। आपका जीवन एक ऐसी खुली किताब होना चाहिए जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुला हो, जिसकी प्रत्येक पंक्ति स्पष्ट हो और पढ़ी जा सके। सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। ऐसा व्यक्ति ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर पाता है। महावीर ने जब विवाह का प्रसंग आया तो उन्होंने अपनी मां को इनकार किया, एक को स्वीकार करने में अनेकों का अनादर होगा, अतएव हे मां मैं विवाह नहीं करता हूं। सच्ची जिंदगी वही है जहां अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। और महावीर इस धरती पर प्राणी मात्र के लिए जिए, उन्होंने विवाह नहीं किया। अपने जीवन की खटास को मिठास में बदल लो। काम
काम भोग बंद की कथाएं संसार संवर्धन करने में कारण बनती हैं। इसलिए संसार की खटास को मिठास में बदलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संयम की जरूरत है। किसी की चार दिन की जिंदगी सौ काम आती है, किसी की चार दिन की जिंदगी सौ काम आती है और किसी की सौ बरस की जिंदगी कुछ भी काम नहीं आती है। धरती पर जो केवल खाने के लिए जन्म लेते हैं और मौज मस्ती की भावना रखते हैं, उनकी सौ वर्ष की जिंदगी भी कोई कीमती नहीं हुआ करती है। महानुभाव, सौ वर्ष जीने के लिए अपने चारों ओर जवान और हसमुख मित्रों को रखना सीखो। मित्र उसे कहते हैं जो आपको प्रकाश दे, रोशनी दे। शिव कुमार बामन आपटे ने संस्कृत हिंदी डिक्शनरी में यही अर्थ किया है, जो आपको प्रकाश दे उसका नाम मित्र है। जो केवल आपकी खुशामद करके आपको प्रसन्न रखने का उद्यम रचता है, वह तो आपको अंधेरे में ले जाने वाला है। सौ वर्ष जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इसलिए अपनी जिंदगी में एक मित्र बनाना अनिवार्य है। और मित्र कौन हो सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी मजाक में कहते थे, लोग चलते चलते हाथ मिलाते हैं ट्रेन में और जिस किसी कहते क्यों गुरु कैसे हैं आप। ऐसे जो मस्खरे लोग हैं आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं, लेकिन जो आपकी जिंदगी को प्रकाश दे उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम मित्र है। सौ वर्ष तक जीने के लिए चारों ओर प्रबुद्ध जैसे बच्चों को रखिए अशोक जी, बुढ़ापे का एहसास न कराएं, बुढ़ापे का एहसास न कराएंगे वो जवान बच्चे चारों ओर से आपके लिए हौसले बुलंद करते रहेंगे और उनके हंसते हुए चेहरे को देख करके आपको अपनी खटास मिठास में परिणत करने का अवसर अनायास ही मिल जाता है। धरती पर देखता हूं इसलिए छोटे छोटे नन्हे बच्चों से लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। कुछ भी आपका इंट्रोडक्शन ना हो सामने वाले व्यक्ति के बच्चे से, किंतु खूबसूरत हो तो तुरंत आप उसको अपनी बाहों में भरने को तैयार हो जाते हैं। जीवन का सच्चा पथ यह नहीं कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसके लिए हम रोते रहे। जीवन का सच्चा पथ यह नहीं कि जो हमें प्राप्त नहीं उसके लिए रोते रहें। जीवन का सच्चा पथ यह है कि यत्न या योग से जो हमने पा लिया है उसे पहचाने, उसे अपने अनुकूल बनाएं, उसमें रस लें और संतोष का सुख पाएं। और की लालसा व्यक्ति के लिए समय से पहले बूढ़ा कर देती है। लालसाएं ही इस जीव के लिए, तृष्णाएं ही इस जीव के लिए जगत में डालने वाली। महाकवि कालिदास कहते हैं अवगुण नाव के पैदे के चित्र के समान है। अवगुण नाव के पैदे के छिद्र के समान है, जो छोटा हो चाहे बड़ा एक दिन नाव को अवश्य डुबो देंगे। व्यक्ति के अंदर एक भी खामी है तो वह खराबी ही पैदा करने वाली है।
चाहे तो भाई साहब वो पान पराग की हो, वो तो चाहे तो आपको सिगरेट की हो, चाहे तो आपको बियर की हो, एक ही खराबी आपके जीवन को पूरा नष्ट करने वाली यह प्यारा सा जीवन जो आंसू और हंसी का रसायन है, यह प्यारा सा जीवन जो आंसू और खुशी का रसायन है, अमूल होने पर भी क्षणिक है, जैसे धूप में छोटी सी उसकी बूंद, इसको व्यर्थ क्यों खोती हो। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि में सबसे कीमती है। मनुष्य का शरीर मिलते ही यदि व्यक्ति इसका सदुपयोग कर ले तो महावीर की तरह वह सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, लेकिन महावीर बनने के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, यही सबसे जटिल प्रश्न दिखलाई देता है। लोग हमसे मैत्री करें, प्रेम करें, विश्वास कायम करें, हम चाहते हैं, लेकिन महावीर ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का बर्ताव किया है, इसलिए आज महावीर महावीर है। प्रेम और एकता का अनुभव करना ही वास्तव में जीवन है। लोग अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, आजकल लोग अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ अच्छा कहलाने की कोशिश करते। अच्छा कहलाने की कोशिश से कुछ नहीं होता, अच्छा करने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि जीवन परमात्मा तक की तीर्थ यात्रा है। जीवन परमात्मा तक की तीर्थ यात्रा है। हम यहां पर आए हैं, यात्रा पर हैं, हम कहां जा रहे हैं? समय शिखर की तीर्थ यात्रा पर। लेकिन श्रीमान ड्राई क्लीनर की दुकान पर खड़े हैं, लेकिन कहते समय शिखर जी की यात्रा पर जा रहा हूं, हम भी मोक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं, परमात्मा से मिलने के लिए हमारी हर कोशिश ईमानदार होनी चाहिए, हमारी हर कोशिश वफादार होना चाहिए। जब हमारी हर कोशिश ईमानदार होने लग जाती है तो हम श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते हैं। जिंदगी ऐसे ना जियो, जिंदगी ऐसे ना जियो कि दूसरे के लिए भार बन जाए, जिंदगी ऐसा ना जियो कि दूसरे के लिए भार बन जाए। और आज को इस तरह जियो कि कल के लिए यादगार बन जाए। बहुत लोग धरती पर आते हैं और चले जाते हैं, याद उन्हीं को किया जाता है जो मुस्कुराते हैं। अहिंसा और संयम की आराधना करते हैं महानुभाव। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। वो ऐसा बोल गया, वो वैसा बोल गया, इन सब बातों में उलझ के रह जाएंगे तो हमारी जिंदगी का सुकून समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं जिंदगी बांसुरी की तरह है, निश्चित ही बहुत छेद हैं। बांसुरी बहुत छेद होते हैं ना, जिंदगी बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितनी भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया
उसे जिंदगी जीना आ गया। फ्लूट का सर कितना सुंदर निकलता है रात के अंधेरे में या तनाव भरी स्थिति में, वो बांसुरी का सर बहुत ही मधुर लगता है। धर्म स्नेह बंधुओ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी जीना है तो दर्पण की तरह जियो, जिंदगी जीना है तो दर्पण की तरह जियो, जिसमें स्वागत सभी का हो, जिसमें स्वागत सभी का हो लेकिन संग्रह किसी का भी ना हो। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? एक छोटे बच्चे प्रभुत्व ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? जिंदगी में सबसे कीमती हमारा परिश्रम, और अच्छा साथी यानी हमारा आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम करते हैं तो इससे कीमती धरती पर कोई चीज नहीं है। महानुभाव, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो। महानुभाव, जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। लड़की देखने जाएं तो कैसी देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट या कश्मीरी व्हाइट या वो कौन सी क्रीम जैसी? कैसे चाहिए आपको? तो मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि एक खूबसूरत दिल खूबसूरत चेहरे से ज्यादा बेहतर होता है। आप रूप को मत देखिए, उसके गुण को देखिए। गुलदस्ते में कितने फूल लगे लेकिन रात रानी उसमें आ जाए तो सुगंधी सुगंध आने लगेगी। राजेश्वरी सुगंधी सुगंध छोड़ेगी। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऐसे इंसान पर जुल्म ना करना। बहुत थोड़ी सी जिंदगी मिली है, समय बहुत व्यतीत हो गया है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म ना कीजिए जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई शब्द ना हो। मैं विराम लेता हूं, उस छोटी सी मनुष्य की जिंदगी उपलब्ध होने का फायदा यही है, हम किसी व्यक्ति के लिए जो परमात्मा का गुरु का भक्त है दुख ना पहुंचाएं, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। आज आप इस कड़कती सर्दी में इकट्ठे हुए हैं किसी विशेष काज से, संयम का उपकरण आज परिवर्तित हुआ है और जीवन के 64 वर्ष ऐसे ऐसे हाथ से निकल गए। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्राहक कभी कह के नहीं आते, जीवन की क्षणे भी कभी कह कर के नहीं आते हैं। हमें हर क्षण का उपयोग करना चाहिए। जो आदमी हर क्षण का उपयोग कर लेता है वही महावीर बनता है। आज निर्माण विहार जैन तीर्थ विरोदय में यह छोटा सा सादा सा
आयोजन पिछली परिवर्तन का आप सबने बहुत शालीनता बहुत आनंद के साथ अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए किया है। भाई विजय जी शरीर से कई जगह से तकलीफ पा रहे हैं, अपने साथियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और भी चुन चुन के लोगों को कहा था जिनके यहाँ कोरोना ना हो, साफ स्वस्थ निर्भ्रम हों वो लोग बैठ के यहाँ पर संयम की साधना के लिए थोड़ा आज सम्मेलन हुआ। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। आप सोच रहे होंगे बहुत कम समय में, समय दिया ही नहीं था, पर आप सब लोग जब पीछे पड़ गए तो थोड़ा आपको समय दिया, परंतु आपने उसका सदुपयोग किया। मैं आप सबके ये मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि मनुष्य का जन्म मिला है तो ऐसे ही नहीं मर जाना है। कैसे मरना है? मरना है तो महावीर की तरह मरो, मरना है तो आचार्य शांति सागर जी की तरह समाधि देकर के मरण करो, जिससे हमारा अंतिम जन्म ही ना हो। कीड़े की तरह अनेकों बार जन्म लिए मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसा जन्म आपने आज पिछली ली है, अब असली पिछली लेने की भी तैयारी करना। बेटे का बहू का पोते का मोह संवरण कर लेना, नहीं तो इनकी पत्नी हाय मेरा बेटा आ जाओ मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हमारे यहाँ लोग अभी भी कोरोना से डरे हुए हैं, पर कोरोना कुछ नहीं है, अनुशासन है। जब आदमी अति करने लग जाता है तो वैलेंस बनाने को ऊपर से ही निर्देश होता है। शनि कुछ भी नहीं है, जब आदमी के अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शनि ग्रह आता है, वो कहता है कि बंदे समझ ले वरना चना बिकवा दूंगा। जनसंख्या बहुत बढ़ गई धरती पर, भुखमरी बहुत बढ़ गई, सबका बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो एक डायरेक्शन देता है। आप महावीर के रास्ते पर चलिए, महात्मा बनिए, कोई डर नहीं है। और यदि आप खालसा ग्रुप में गए तो खाल तो खिंचना ही है। सच के राह पर चलिए, अहिंसा की बात कीजिए, दूसरे का शोषण मत कीजिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहने का दूसरों को अवसर उपलब्ध कराइए, कुछ भी आपके लिए महामारी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की। आइएगा आइएगा, ठीक है, दो मिनट का समय आरती से पहले पहले शास्त्र भेंट भेंट एक शास्त्र भेंट की और एक गया, लेकिन चार लोगों के नाम मैं चाहूंगी। पहला नाम है वीरेंद्र सोनी, 5100 रुपए की राशि भेंट करके इन्होंने शास्त्र भेंट करना चाहा है। और दूसरी राशि है मुक्कू, जिन्हें कहते हैं क्या नाम इनका, मुकेश सोनीपत। और तृतीय शास्त्र भेंट करेंगे श्रीमान सुशील कुमार जी, 11 गन्नौर। और चतुर्थ श्रीमान विजय कुमार जी, सुरेश संगपति, दोनों मिलकर शास्त्र भेंट करेंगे। और पंचम शास्त्र भेंट करेंगे हमारे सीमा जी और प्रवीण जैन, प्रीत विहार, पांचों महानुभाव यहाँ जेके फैशन गांधीनगर दिल्ली। और एक शास्त्र भेंट करेंगे श्रीमान राजीव अंजना जैन, 7 रोहिणी। और एक शास्त्र भेंट करेंगे संजय जैन, 7 सरिया वाले दिल्ली। और एक शास्त्र भेंट करेंगे गोपाल सोनीपत। सभी महानुभाव यहाँ समय का ध्यान रखें। अनिल जी नाम लिख ले, सबका नाम लिख ले।
रानी मैया मेरी पार करो नैया, हे जिनवाणी मैया मेरी पार करो नैया, तुम्हें सोचने आ गए हैं सभी, तुम्हें सोचने आ गए हैं सभी, हे जिनवाणी मैया भार करो नैया, तुम्हें सोचने आ गए हैं सभी, तुम्हें सोचने आए। एक नाम हमारे विजय कुमार जी चांदी वाले, भावना जैन बैंक एनक्लेव भी आएंगी, इसके बाद महाराज श्री की आरती होगी। यहाँ वहाँ जाता मत पूछ कहाँ कहाँ है जिनवाणी माँ, अपनी जिनवाणी जिनवाणी माँ, यहाँ वहाँ जाता मत पूछ जिनवाणी माँ, अपनी जिनवाणी माँ, अरहंत सिद्ध आचार्य उपासक सर्व साथ जिनवाणी माँ, अपनी जिनवाणी माँ, अपनी जिनवाणी माँ, अपनी जिनवाणी। हेलो, हाँ अब मैं चाहूंगी ये गाना में इसका प्रबुद्ध जैन और दूसरा ये छुटकू हर्षित जैन यहाँ पर आए। मैं आज इन दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और चाहती हूँ छोटा सा गिफ्ट इन दोनों बच्चों को दूँ, तो सामने आकर के शास्त्र आदि जो भी भेंट किया है, शास्त्र भेंट किए हैं, जो भी राशि है हमारे मंदिर जी के कोष अध्यक्ष भाई अरुण जी जो मेरे साथ में खड़े हैं, जो भी राशि है। आरती वाले महानुभाव सामने आ जाए। दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, गाँव नगर उजा गए, ओम जैनों के सारे भावन धरा धरा पोता पर नारी हर सा, कभी धर नारी हर सा, धन्य पिता से भी खोद चंद्रमा के जाए, ओ जैनों की सारे के भोगे विलास जगत के धर्म ज्ञान की ना, धर्म ज्ञान की ना, क्षेत्र पटेरिया में व्रत चल्य पटेरिया, ओ जैनों के सारे प्राप्त करो रे अविरल पर की तैयारी, त्रुणे नागिर में लक दीक्षा दारी, ओम जयती सत्य अहिंसा धर्म ज्ञान के सब उपदेश दिए, सब उपदेश दिए आचार्य श्री भी प्यासागर से मुनि व्रत ग्रहण किए,
और ज्ञान सिंधु वाणी भूषण कवि लेखक करुणा कर और लेखक करुणा कर और तेज नीले सागर के शरण अजय रवि ओम गौरते सागर ओम गौरते सागर। मुनि परम पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज की जय, धर्म की समस्त मुनि संघ की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय हो। नमो सुगुरु।